प्रकाश देख रहे हैं तमाम भाइयों बहनों को, डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन राहुल का बहुत बहुत नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता कि हरियाणा के अंदर कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और सभी मंत्रियों को विभाग भी मिल चुके हैं, कुछ ने ज्वाइन भी कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है जो दोनों पार्टियों के अंदर, भारतीय जनता पार्टी और जजपा की बात करें, सबसे बड़ी बात है, पहले हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की इन इलेक्शनों में जैसे आपने देखा कि तमाम मिनिस्टर दिग्गज हार गए हैं और पार्टी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हारे हुए एमएलओं को कहां पर एडजस्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात एक और यहां पर देखने की आ रही है कि जहां से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हारे हैं वहीं से गठबंधन के सहयोगी जेजेपी के कैंडिडेट जीते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है किसी लीडर के लिए। अब हम बात करते हैं पहले भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में हारे हुए जो दिग्गज हैं, सबसे पहले बात करेंगे श्री रामबला शर्मा। रामबला शर्मा वो शख्सियत जिनको भारतीय जनता पार्टी का वट वृक्ष कहा जाता है, जिनके बारे में यह है कि उनका संघर्ष, उन्होंने जिंदगी पर कैसे संघर्ष किया, ये सभी हरियाणा के लोगों को पता है। हमेशा दिग्गज पोस्टों पर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस इलेक्शनों में उनकी हार हुई है और पार्टी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि राम विलास शर्मा जी जैसे कदवाहर, जैसे हाई लेवल के हम कह सकते हैं के लीडर को कहां पर जस्ट किया जाए। यह भी सूत्रों से हमें खबर मिली है कि श्री रामबला शर्मा जी को आने वाले दिनों के अंदर किसी भी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब हम सेकंड बात करेंगे सुभाष बराला जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। ये प्रदेश अध्यक्ष के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हमारी 75 पार सीटें आएंगी, वहां पर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़े मार्जिन से हार जाए, ये बहुत बड़ी बात, बड़ी बड़ी बात है। और यहाँ पर देखने को ये मिलता है, जहाँ जिस इंसान ने, जिस एमएलए ने जो सुभाष बराला जी को हराया, वो जजपा का एमएलए है वहाँ से, ये बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह है कि पार्टी उनको कहाँ पर एडजस्ट करेगी। और हो सकता है कि इनको, इनके अनुभव को देखते हुए, प्रदेश अध्यक्ष के अनुभव को देखते हुए, इनको शायद केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी में कोई उचित स्थान दे दिया जाए। तीसरी बात करेंगे हम श्रीमती कविता जैन। कविता जैन जो दो बार एमएलए रहे हैं और सोनीपत से रहे हैं, उनके पति राजीव जैन जी को बहुत अनुभव है और मीडिया एडवाइज़र भी रहे हैं, और अब देखा जाए कि वो भी बहुत बड़े मार्जिन से इन इलेक्शनों में हार चुकी हैं और पार्टी के लिए ये भी सबसे बड़ी चुनौती है कि एक महिला को हाईकमान कहाँ पर एडजस्ट करता है। ये भी भरोसेमंद सूत्रों से हमें पता चला कि कविता जैन जी को कुछ आने वाले दिनों के अंदर उनको एक उचित स्थान दिया जाएगा, महिला आयोग के अंदर उनको स्थान दिया जा सकता है। और तीसरी बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की वो शख्सियत जिनके ऊपर सारा दारोमदार था, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हरियाणा के, जिनके पास बहुत ज़्यादा महकमे थे, अहम महकमे होते हुए भी कैप्टन अभिमन्यु इलेक्शन हार गए हैं। और कैप्टन अभिमन्यु को, उनके कद को देखते हुए, क्योंकि वो चुनाव के प्रभारी भी रहे थे चंडीगढ़ और पंजाब के लोकसभा के अंदर, उनको भारतीय जनता पार्टी कहाँ एडजस्ट करेगी। और आने वाले दिनों के अंदर राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, हो सकता है कि कैप्टन अभिमन्यु को अपनी जातीय समीकरण बनाते हुए आने वाले दिनों के अंदर राज्यसभा के अंदर पार्टी हाईकमान उनको वहां पर भेज दें। और तीसरे नंबर पर बात आती है ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ भी हैवी वेट लीडर थे और हैवी वेट डिपार्टमेंट उनके पास थे, हैवी वेट डिपार्टमेंट होते हुए वो किसान मोर्चा में भी पहले अध्यक्ष रहे हैं, उनका व्यक्तित्व को देखते हुए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जाति समीकरण बनाते हुए, क्योंकि कुछ एरिया में, जिस एरिया से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही थी, और क्या ये भी हो सकता है कि उनको पार्टी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दे। अब बात करेंगे हम उसके बाद हम आगे चलते हैं, बात आती है कृष्ण बेदी, श्री कृष्ण बेदी, इनके पास भी हैवी वेट डिपार्टमेंट थे। और यहाँ पर भी सबसे बड़ा पेच यह फंसा हुआ है, किशन बेदी जी को जिसने हराया वो भी जजपा का ही, उनके सहयोगियों का, गठबंधन का लीडर थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी पेच ये फंसा हुआ कि पार्टी हाईकमान के लिए भी, स्टेट बीजेपी के लिए भी, कि किशन बेदी जी को कहाँ एडजस्ट किया जाए, कहाँ पर उनको उचित, जहाँ पर सम्मान मिल सके, सम्मान योग पद पर कहाँ पर एडजस्ट किया जा सके। ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मुख्यमंत्री इनको अपना पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात और देखने को मिलेगी, अब हम बात करते हैं पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की, अब मनीष ग्रोवर भी अगर देखेंगे छवि सभी आंदोलनों के अंदर एक हट के रही है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की हमने आपको रिपोर्ट दी है, ये हमारे सूत्रों से हमें खबर मिली है, हम कयास लगा सकते हैं। बाकी क्या सच्चाई है इसमें, आने वाले दिनों के अंदर हमें, हमारी जनता को, हरियाणा के लोगों को सब पता चल जाएगा। ये थी मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन राहुल की। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।